गाड़ी में जैसे आप बैठेंगे, अपनी गाड़ी हमें पता होता है गाड़ी गियर वाली है, ऑटोमेटिक है। नई कार में किसी दोस्त वगैरह में बैठे तो एक गियर माउंट देखो, अगर ये प्लेन है तो गियर है, गियर वाली ऑटोमेटिक कार है, जिसमें नंबरिंग है वो तो गियर वाली कार। कैसे बच्चे गाड़ी कैसे चल रही है जैन? तो हमें क्लियर हो गया गाड़ी गियर वाली कार है और हमारा एक स्टूडेंट आपके बगल से जा रहा है। अब यहाँ लेफ्ट पैर दबाएगा, क्लिच क्या दबाएगा पूरा दबा दो। राइट पैर से दो काम, ब्रेक और एक्सीलेटर। क्या है दो काम? ए बी सी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लिच। क्लिच गियर के लिए, ब्रेक के लिए, ठीक है। अब एंड पे नीचे करेंगे, पार्किंग ब्रेक होती है, अंगूठे से दबा कर देंगे। गियर बस सिंपल तरीके से हाथ रख दो, रखो। ये हमने गियर चेक करना है, आगे गियर न्यूट्रल, पीछे गियर न्यूट्रल, ठीक है। उल्टा हाथ लगाएंगे तो फर्स्ट गियर लगेगा ऐसे लेफ्ट, और ये लगेगा सेकंड, ठीक है, 20 की रेसो सेकंड। तो ये नंबर दिखने चाहिए इस तरह के, आपने हाथ रखना फर्स्ट सेकंड में। फिर आपने तीन नंबर सेट करना है, राइट वाला, सेंटर और लेफ्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, चाबी ऑन है हमारी, तो ये वाइपर इंडिकेटर देख रहे हैं, ऊपर किया लेफ्ट का होता है, नीचे करेंगे राइट का होता है। यहीं पर डीपर मारते हैं आगे वाली गाड़ी के लिए, और ये लाइट ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया, ये आपके वाइपर हो गए, ठीक है। ये आपके एसी इवेंट आजकल यहाँ पे आने लग गए। और हमने क्या करना है, क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना है। ऐसा क्यों? क्यों बीएससी कार्ड जो लेटेस्ट वर्जन आ रखा है वो क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। क्लिच हमारी दबी हुई, गाड़ी करेंगे स्टार्ट, चाबी वहाँ लगी, कर दो स्टार्ट। होगी लेफ्ट करके हमने फर्स्ट गियर लगा दिया, ऐसा बना दिया हमने एल, क्या बना दिया, नजर सामने रखेंगे, विदाउट रेस के चला रहे हैं। एडी आपकी दबी रहेगी, पंजा आधा ऊपर करो, एक दो तीन चार, एक जगह सेट करो, चार पाँच सेकंड में, और आन दो थोड़ा सा, थोड़ा और आन दो। एक हल्का सा झटका लगेगा तब आपकी उंगलियां थोड़ी सी टाइट रहेंगी, थोड़ा सा और चाहिए, ये आपकी थोड़ा हाँ सही है। ये आपकी 5 और 10 की रेस में गाड़ी चलना स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्टिंग में एकदम रेस नहीं पकड़नी चाहिए, उल्टा हाथ हमारा तैयार रहेगा। राइट में देखो, सेंटर देखो, आप मेरे को सुनते रहो, फिर लेफ्ट देखना, धीरे धीरे सड़क पे आ रहे, क्या कर रहे हैं, क्लिच का काम खत्म हो गया। अगले 10 कदम में क्लिच को फ्री करके पैर टच में रखेंगे, माहौल पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, माहौल अगर सेकंड का बन रहा है तो सेकंड गियर लगाएंगे, अन्यथा आपको फर्स्ट गियर में चलते रहना है। फर्स्ट गियर है तो 10 की रेस लेके चलेंगे जैसे भी आ रही है, सेकंड गियर का माहौल बनेगा तो 20 या 25 की रेस लेके चलेंगे, ठीक है। तो हल्की सी रेस बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाओ, सेकंड में जा रहे हैं, क्लिच नीचे दबाओ और गियर दो बार पीछे झुका के, इस ऐसे झुका के, एक दो, क्लिच छोड़ते हैं, मन हल्का रखेंगे। यहाँ अपने हाथ की पोजिशन चेंज कर दी जैसे मैंने बताया था, ठीक है, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, अपने आप को अलर्ट रखो, गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट रखेंगे, चलते रोड से गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो मेथड है तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, दूसरा मेथड क्या है कि रोज के रोज वीडियो बनाते हैं और चलते रोड से गाड़ी स्टार्ट कराते हैं, जिससे कि बंदे का पहले दिन से ही उसका अनुभव बढ़े, जो भी डर निकलना है लगना है उसका पहले दिन ही लगेगा। फिर रेस लो, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, सारे ट्रैफिक रूल सिखाते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेना। क्या है, हम खुद सर्विस मैन लोग हैं तो कानून नहीं तोड़ेंगे, कब तक भागेंगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। हर जगह पे आपके कैमरे लगे हुए हैं, देखो यहाँ भी लगा हुआ है सामने ऊपर ब्रेक कैमरा, तो गलतियाँ मत करो और कानून को हाथ में मत लो। आप सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रखो, अपने परिवार को भी सेफ रखो। लेफ्ट चल रहे गाड़ी हमें राइट से ओवरटेक कर रही है, जब कभी हम डिवाइडर के पास चलेंगे गाड़ी उस टाइम लेफ्ट से ओवरटेक करती है। मन अलग का रखे, हाथ हल्का रखे, तो जब हम माहौल पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं और माहौल के अकॉर्डिंग गियर लगाते हैं, गियर के अकॉर्डिंग रेस लेते हैं, तो लोग फिर हमें अखबार में ढूंढते हैं, अखबार में वो हमें नहीं पढ़ पाते हैं, पर उल्टा सीधा काम कर गए, ऊंच नीच हो गई तो फिर लोग हमें अखबार में आखिरी खबर हो जाती है, और आखिरी खबर हमने जाना नहीं है। मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन का ध्यान रखो। जब आप फर्स्ट गियर में हो तो 10 कदम पीछे रहना है, 15 कदम सेकंड गियर में, 25 कदम पीछे रहो, और ऑटो चल रहा 40 कदम पीछे रहो, तो ये कहीं पैसेंजर मिलते ही ब्रेक मार देंगे। मन हल्का रखे, हाथ हल्का रखे, आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन, चलते रहो। कैसा लग रहा है आपको पहला दिन आपका? अच्छा लग रहा है। आर के मीना जी भी आपके फ्रेंड सीखे गए हुए हैं, और काफ़ी लोको पायलट भी हमारे पास सीखे गए हुए हैं। रेस बना के रोड के लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो, बहुत बढ़िया, गुड। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लाइन कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लाइन। क्या है? अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पर खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे किया, यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, यह गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ। पर फर्स्ट लगाना हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है। क्या करना है? यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर सिक्स गियर भी आ चुका है, पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट। सेकंड हो गया, यहाँ सर्च क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20 से लेके 30 तक। कितना? 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पर बनाए रखना है। आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया, थर्ड। सेकंड से कैसे गए, दोबारा देखो, ये गया और ये थर्ड में चले गए। यहाँ रेस कितनी रहेगी, 30 से लेके 40। कितना? 40, 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50। कितना? 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा। देखो सेकंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी, 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, अब ध्यान कर रखना रोड का। रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी, अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं, क्या करते हैं, छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है, कोई नहीं भी हो सकती है, जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है, क्या चलना है, मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़। ठीक है, इसे हम करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है, उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे जहाँ से आता है। ठीक है, रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ़ करवा के जब सर्विस करवाते हो, साफ़ करवा के कूलेंट और मिनरल वाटर भरवाना, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है। ठीक है, अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना है, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए, अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है। ठीक है, तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी। ठीक है, और हमने ध्यान क्या रखना है, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपना ध्यान रखो, यहाँ पर फिल्टर होता है हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ़ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, फुल यहाँ खाली होता है, यहाँ निशाना जाता है, खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिस चीज़ से साफ होते रहें उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप, अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करो, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना। ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है। ऑयल हमारे देखो, ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है। ठीक है, फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया, और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है, गाड़ी के स्पेशलिस्ट, हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है, आपको लग रहा उन मिस्त्री को समझ में आता ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की, इन चीज़ों का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो। ठीक है, एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन के ऑयल को फ्लैश कराओ। ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है। ठीक है, तो अब हम चलते थोड़े ड्राइविंग की तरफ, मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो
तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए और फर्स्ट गियर लगा लेना। क्या लगाना है? ब्रेक में पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना। क्या करना है? राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ, जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना है। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बना कर रखो रेस, चलते रहो। जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू घुमाते आएंगे, और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुँचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जो डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारे सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारे सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू, आगे वाली गाड़ी को देख के दूर है बाइक, और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है, रोड के लेफ्ट, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना है, राइट इंडिकेटर नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड करते आएंगे, जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडिक नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड, राइट के लिए बड़ा मोड, ठीक है, लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके। टर्न करते हुए चलते रहो, सेकंड गियर में चल रहे हैं, सिटी से बाहर निकल चुके हैं, लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट साइड आपकी कवर है, इसकी रेस आ गई, रेस को छोड़ दो, क्लिच नीचे, बड़े प्यार से न्यूट्रल और सीधा, क्या बात है, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते हैं, मन हल्का रखेंगे, हाथ हल्का रखेंगे, चौथे गियर की तैयारी रखेंगे, क्या रखेंगे, क्योंकि हमने 40 की रेस बढ़ानी है, जैसे 40 की रेस मिलेगी और आगे का माहौल मिलेगा बढ़िया तभी हमने चौथे गियर में जाना है। एक बार गाय को देखो, पूरी पार होने तो गाय को सड़क से, चलते हुए जानवर के पीछे से, तो जानवर साइड हो गया, रेस 40 की आगे, क्लिच दबा दो नीचे और गियर दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ता, मन हल्का रखो, हाथ हल्का रखो, अच्छा बैलेंस बनाओ, आगे कोई गाड़ी चल रही है दूरी मेंटेन करो। जब फर्स्ट गियर में होते हैं तो कम से कम 15 कदम पीछे चलते हैं, सेकंड गियर में तो हम कहें 30 कदम पीछे चलते हैं, थर्ड गियर में 50 कदम पीछे, चौथे गियर में 100 कदम पीछे, जिसमें पाँचवा गियर है, चौथा गियर, जो भी टॉप गियर है उसमें 100-150 कदम पीछे चलते रहेंगे, मन हल्का रखेंगे, हाथ हल्का रखेंगे। गली मोहल्लों में क्या होता है कि गाड़ी स्क्रैच ठुकती है, थोड़ा सा स्क्रैच आते हैं, पर हाईवे पर अगर गाड़ी ठुक गई न सवारी बचती है न गाड़ी बचती है, स्क्रैच ठीक है, पूरा स्क्रैच हो जाता है, ठीक है। तो हमने काम ऐसा सीखना है कि हमें सेफ रहना, अपने परिवार को सेफ रखना है और आगे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके परिवारों को भी सेफ हो हमें रखना है, ये सोच के चलेंगे तो जो इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी के लिए वो यूज नहीं होगा, ठीक है। रेस बनाए, मन हल्का रखो, आगे वाले गाड़ी से दूरी मेंटेन करके चलते रहो।
बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बैलेंस भी आ रहा है करते हुए। अब हम चल रहे हैं लेफ्ट, उस साइड से हम क्या चल रहे थे, राइट चल रहे थे, राइट चले तो गाड़ी हमें लेफ्ट से ओवरटेक कर रही थी। अब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं तो गाड़ी हमें राइट से ओवरटेक कर रही है। मन हल्का रखना है, हाथ हल्का रखना, अपने कंट्रोल की रेस लेकर चलना है। तो ये जरूरी नहीं कि आप गाड़ी तेज चलाएं, जरूरी ये है कि आप सेफ कैसे रहेंगे, उस लेवल की आपको रेस लेके चलना है। कुछ ज्ञान हमें स्कूल से बाहर भी मिलता है, ठीक है, हर चीज़ हमें स्कूल में नहीं, बुकों में नहीं मिलता है। कई बार हमें ये भी सिखाते हैं, हमें रास्ते सिखाते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेफ्ट देख लो, फिर सेंटर देखो, राइट देखो, मन हल्का रखो, अपने आप को अलर्ट रखो, बहुत बढ़िया। खुद कभी कभी खुद के भी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बना रखो, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत बढ़िया। तो लगे रहो किनारों पर, कभी तो लहर आएगी, लहर आएगी बस, और आएगी जरूर आएगी। निहाल जी सिंगल लोड पर, सिंगल लोड पर हमने काम करना, गाड़ी पूरी लेफ्ट रखनी है, तो ज्यादातर आपने सेंटर देखना, राइट देखना, 30 की रेस बना लो, सेकंड में चल लेते हैं, 30 की रेस आगे रेस छोड़ दो, क्लिच दबाओ, न्यूट्रल थर्ड रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ता, मन हल्का रखो, पूरी क्लिच छोड़ देंगे, रोड के लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट आ जाओ, जितना लेफ्ट चलोगे उतना आप सेफ चलोगे, और बीच रोड पर चले जाओगे उतना हमारी गाड़ी नुकसान में रहेगी। बना के रखेंगे रेस, फिर सेंटर देखो, फिर राइट देखो, 40 की रेस आगे, गियर पे हाथ बनाओ, क्लिच नीचे, गियर दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, मन हल्का रखेंगे, आगे से बुलोर आ रही हो अपनी साइड चली जाएगी, हम अपनी साइड चलते रहेंगे लेफ्ट लेफ्ट, मन हल्का रखना है, हाथ हल्का रखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है। ये लेफ्ट वाला कॉर्नर तक गाड़ी कहाँ चल रही है, और गोल वाला मेरा सेंटर में देख लो, इधर वाले में गाड़ी मेरी कहाँ चल रही है, ठीक है। बार बार फिर सेंटर देखो, फिर राइट देखो, अपने कंट्रोल की रेस लेके चलो। जरूरी ये नहीं है कि आप तेज चलाना सीख जाएं, जरूरी ये है कि आप कैसे सेफ हैं, आपका परिवार कैसे सेफ है। मेरा सिखाने का जो मेथड है, नॉन स्टॉप बोल के सिखाना, रोज करो वीडियो बनाना और तरीके सिखाते रहना, अलग अलग रोडों पे बनाए रखेंगे, चलते रहेंगे, जानने की गाड़ी को आगे चढ़ाई आ रही है, हमें नहीं पता आगे कितनी गाड़ी आ रही है, गाड़ी अपनी लेफ्ट रखनी, इस टाइम ओवरटेक नहीं करना, अगर गाड़ी चल रही होगी आगे तो लेफ्ट रखेंगे, यहाँ पर डीपर भी दे सकते हैं वाले से, अच्छा ये डीपर हो गया, ये लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, हम अपने लेफ्ट साइड बने रहेंगे, जरूरत पड़ी तो टायर नीचे भी उतार लेंगे, मिक्स नहीं है हम, ठीक है। तो हमने क्या है, टेढ़ा मेढ़ा चलना है, कभी नीचे उतारेंगे फिर सड़क पे आ जाएंगे, उतारेंगे नीचे आज सड़क पे आ जाएंगे, सीधा सीधा चलेंगे तो खत्म, टाटा बाय बाय। बना के रखेंगे रेस, आगे वाले की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, पहला दिन याद है, और आज का दिन भी आज क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस चला सकते हो अपनी गाड़ी, चला सकते हो, रेस बना रखो। तो पहले हमने 5 दिन फर्स्ट सेकंड में मजबूत कराया, उसके बाद आपको हाईवे पे लेके आगे, ठीक है, रेस बना रखे, मन हल्का रखेंगे, अब आपके रोज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपकी फिनिशिंग करेंगे, देखेंगे क्या क्या कमी आ रही है, उनमें सुधार करवाएंगे, चलते रहो सीधे सीधे। अब हम लेफ्ट चल रहे हैं तो गाड़ी राइट ओवरटेक करती है, पहले भी हम काम कर चुके हैं, रेस बना रखो, मन हल्का रखो, अपने आप अलर्ट रखो, अपने कंट्रोल में चलाना है, मेरा एक ही कहना रहता सबसे, आप अपने कंट्रोल में गाड़ी को चलाओ, 80 के लेवल में जा रही है गाड़ी, दूर तक देखो, जैसे गाय आ रही है ना, बिल्कुल इधर से आ भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है, तो जब दूर तक देखेंगे तो अचानक कभी नहीं होगा, और आप 5 की नज़र रखेंगे, सीधा सीधा देखेंगे तो अचानक हो जाएगा,